आज हम बात करेंगे चार राशियों, चार लग्न के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्रदेव, आपकी राशि में शुक्रदेव उच्च के होने जा रहे हैं, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उच्च का शुक्र आपके लिए क्या खुशियां लेके आया है और क्या आपको देने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस रखिएगा और डिटेल्स अपनी कमेंट में डाल के वीडियो एनालिसिस अगर करवानी है आपको कुंडली की तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। वीनस ट्रांजिट 17 मार्च 2021 को 17 मार्च 2021 को शुक्रदेव उच्च के होने जा रहे हैं, खुशियों की सौगात लेके आए हैं। देखते हैं इन चार राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि में। मेष राशि में शुक्रदेव करने जा रहे हैं 12वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, दूसरे भाव का मालिक बनते हैं, धन भाव का, कुटुंब भाव का, परिवार भाव का, बैंक का मालिक बनते हैं शुक्रदेव। और आपके सप्तम भाव डेली रूटीन लाइफ का, पार्टनरशिप का, आपके लाइफ पार्टनर का और व्यापार का मालिक बनता है शुक्रदेव, जो चले गए अपने से 12वें अपने मेष लग्न और मेष राशि से 12वें स्थान पर उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो आपको कहां कहां इसका फल मिलेगा, देखो एक तो 12 भाव का फल मिलेगा, खर्चों का फल मिलेगा, विदेश भाव का फल मिलेगा, छठे भाव का फल मिलेगा, दूसरे भाव का फल मिलेगा और 7वें भाव का फल मिलेगा। 6, 2, 7, 12 आपको दिखाई दे रहा है, 6, 2, 7, 12 का फल मिलेगा। 6 मतलब क्या है, आपके कोई कर्ज है तो वो चुकता करने के लिए शुक्रदेव आएंगे। अब कैसे बता रहा हूँ, लॉजिक को समझना। दूसरे भाव का मालिक का लॉर्ड शुक्र उच्च हो गए हैं अपने से एकादश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपने से 11वें भाव में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। मेष लग्न मेष राशि के लिए बता रहा हूँ, अपने से 11वें भाव में बैठे हैं तो आपका कोई कर्ज है या फिर कोई दिक्कत समस्या होगी उनको दूर करेंगे शुक्रदेव। लग्जरी खर्चे करवाएंगे, लग्जरी खर्च हो सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हो, धन आपके पास विदेश से भी आ सकता है। विदेश मतलब कहने का अपने घर से 500, 700, 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर से आपका व्यवसाय चल सकता है, कोई ऑनलाइन ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, वैवाहिक संबंध बन सकते हैं, विवाह जिनका नहीं हुआ है विवाह होने के चांसेस बन रहे हैं। आप अपनी लवर या वाइफ के ऊपर खर्च करोगे क्योंकि खर्च भाव में शुक्रदेव बैठे हैं। विदेश जाने के, वाइफ के साथ विदेश जाने के योग बने क्योंकि देखो सप्तम भाव आपके वाइफ पार्टनर का हो गया, वाइफ या हस्बैंड आपके पार्टनर का हो गया और अपने से छठा बैठा है और 12वें विदेश भाव में बैठे हैं तो आपका जो यात्राओं का योग बनेगा और विदेश जाने के योग अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ बनेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का जो है शुक्रदेव पहले लग्न का, छठे भाव का, 11वां जो यहाँ पर गोचर करेगा, 12 नंबर यहाँ आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो यहाँ शुक्र गोचर करेंगे लाभ भाव में, तो लाभ भाव 11वें भाव का रिजल्ट देंगे। सामने देखेंगे यहाँ पर पंचम भाव का रिजल्ट देंगे, मतलब जुआ लॉटरी सट्टा में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो तो उसमें आपको ज़रूर फायदा होने के योग बनेंगे। पीछे अगर आपने कहीं हारे हैं पैसे तो उसमें भी अब वापस बढ़ोतरी हो सकती है और अचानक लाभ होने वाले के योग आपके बन रहे हैं कुंडली में। लग्न का फायदा देगा, अगर आपको कोई लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यू थे तो उनसे आपको छुटकारा दिलाएगा। और आपको छठा भाव तुला राशि आपकी यहाँ बनती है तो रोग से निवारण देगा और आपके नौकरी में बदलाव, नौकरी में लाभ, प्रमोशन के योग बनाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का शुक्रदेव गोचर करेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दसम भाव में गोचर करेगा उच्च का शुक्रदेव, दसम भाव में गोचर करेगा, कर्म में हाई पोस्ट, हाई प्रमोशन, बहुत अच्छा प्रमोशन का योग बनेगा। घर से दूर जा सकते हो, घर से दूर जाकर काम कर सकते हो, घर से दूरी बन सकती है, कोई नया घर या नया रेंट पे घर लेने के योग बन रहे हैं, वाहन पर खर्च हो सकता है, कोई नया वाहन ले सकते हो,
यात्राओं का भी योग बनेगा, दूर घर से दूर जाओगे। अब बात करते हैं करक राशि के बारे में, करक लग्न के बारे में। करक राशि व करक लग्न ध्यान से सुनना, ये आपके लिए फलित एक्यूरेट रहेगा, आपको खुद को बाद में पता चल जाएगा। करक लग्न का देखो चार नंबर यहाँ रहता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब नवम भाव से शुक्रदेव गोचर करेंगे, दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर। 12 नंबर की राशि करक लग्न में, करक राशि में नवम भाव में पड़ती है, तो धर्म भाव में गोचर करेंगे शुक्रदेव। लक्ष्मी स्थान बोला जाता है इनको, सबसे बढ़िया त्रिकोण बोला जाता है। मीन राशि का शुक्र है, उच्च का शुक्र है, आपको तरह तरह के फायदे करवाएगा। क्या फायदे करवाएगा? यात्राओं का योग बनेगा, विदेश यात्रा भी कर सकते हो। शादी का योग बनेगा, शादी हो सकती है, शादी के बाद अपनी पति या पत्नी विदेश के योग बनेंगे, विदेश जाएंगे शादी करके। धार्मिक यात्रा हो सकती है माता पिता के साथ, धार्मिक यात्रा होने के योग बनेंगे। लाभ ही लाभ चारों तरफ से आपको, लाभ ही लाभ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। देखो शादी के योग क्यों बने, नवम भाव सप्तम भाव का संबंध, तीसरा और ग्यारहवा मतलब परिवार का, और तीसरा आपका यात्राओं का योग, तो कहीं यात्रा कर कर आपकी शादी होने के योग बनेंगे। यह चार राशियों को वीनस के ट्रांजिट से प्रभाव मिलेगा, बाकी अपने अगले वीडियो में बताएंगे अगली राशियों के बारे में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।